और भाई लोग, क्या हालचाल है, कैसे हो तुम लोग? बढ़िया एकदम। तो यार आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया का थर्ड और आखिरी पार्ट, जो कि है यार टी फ्रॉम आसाम। इस चैप्टर में बेसिकली यार हमें टी की हिस्ट्री के बारे में बताई गई है कि यार टी जो है वो कहाँ से आया, ठीक है, किसने यार आविष्कार किया टी को और कैसे कैसे हुआ है, ये सारी चीज़ें तुम्हें पढ़नी पड़ेगी। और थोड़ा सा यार इसके प्रोडक्शन हाउस पर भी फोकस किया गया है कि कैसे बनता है, कहाँ से बनता है। तो यार अब ऐसा बिल्कुल ही मत सोच लेना कि यार ये एक हिस्ट्री की चैप्टर जैसी होगी, ये एकदम बोरिंग सी होगी। ना बाबा ना, मैं तुम्हें यार एकदम इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाऊंगा और ये चैप्टर भी यार फुल टू इंटरेस्टिंग है, तो तुम्हें मजा आ जाएगा। तो चलो यार चैप्टर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमें इसमें क्या क्या बताया गया है। इसमें यार दो दोस्त होते हैं, एक का नाम होता है प्रांजल और दूसरा का नाम होता है यार राजीव। दोनों ही यार दिल्ली के एक स्कूल में साथ पढ़ते थे, दोनों यार क्लासमेट थे, साथ ही पढ़ते थे, साथ में यार उठना बैठना था, खाना पीना था। और प्रांजल के जो पिता थे यार वो एक आसाम में टी गार्डन के मैनेजर थे, आसाम के अपर पार्ट में थे, ठीक है। आसाम को यार दो भागों में बांटा गया, एक अपर आसाम और एक लोअर आसाम। जैसे कि यार हम लोग इंडियन लोगों को भी कहते हैं कि हाँ ये नॉर्थ इंडियन है तो ये साउथ इंडियन है, वैसे यार आसाम में भी होता है। तो फिर यार प्रांजल अपने दोस्त राजीव से कहता है कि भाई गर्मी की छुट्टी पड़ रही है, एक काम कर तू मेरे साथ चल मेरे घर, मैं तुझे वहाँ पर दिखाता हूँ अच्छी अच्छी चीज़ें, आसाम यार एकदम बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, तू खुश हो जाएगा भाई। तो राजीव कहता है अच्छा ऐसी बात है, ऐसे भी यार गर्मी छुट्टी है तो चल तेरे घर चलता हूँ, वहाँ भी यार देख लूंगा, ऐसे भी दिल्ली में रह के बोर हो चुका हूँ, आसाम जाऊँगा तो कुछ अच्छी अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी। तो फिर यार अगले ही दिन दोनों यार अपना सामान वगैरह पैक करते हैं, टिकट वगैरह बुक करते हैं और ट्रेन में बैठ जाते हैं आसाम जाने के लिए। ट्रेन यार चल पड़ती है, वो लोग आसाम यार जाने लगते हैं। ट्रेन में बैठे बैठे यार दोनों बोर हो रहे थे तो प्रांजल यार अपना डिटेक्टिव बुक खोलता है और पढ़ने लगता है। डिटेक्टिव बुक यानी कि यार जासूस वाली जो बुक होती है जिसमें जासूसों की कहानी बताई होती है कि हाँ एक ऐसा जासूस था उसने ऐसे ऐसे कर दिया, वो वाली कहानी तुमने पढ़ी है कभी? नहीं पढ़ी तो पढ़ लेना, ऐसे कौन सी बड़ी बात हो गई। तो यार वो दोनों ही बुक खोलते हैं और पढ़ने लगते हैं। उन दोनों को यार बहुत ही मजा आता है ऐसा स्टोरी पढ़ने में, डिटेक्टिव वाली स्टोरी पढ़ने में, जासूसी की कहानी। इतने में यार उधर से एक चाय वाला आ जाता है, कहता है चाय चाय ले लो, चाय चाय साहेब चाय है, चाय ले लो चाय। तो प्रांजल कहता है भाई साहब हमें दो कप दे दो, हम दो बंदे हैं हमें दो कप दे दो। चाय वाला यार चाय देता है, दोनों यार चाय की चुस्की लेने लगते हैं। ऑलमोस्ट यार उसके कंपार्टमेंट में जितने भी बंदे बैठे थे ना, मतलब जितने भी लोग बैठे थे उस यार उस ग्रुप में, ठीक है, उस बोगी में जितने भी ग्रुप के लोग बैठे थे वो यार सब चाय पी रहे होते हैं। और यार यही देख के राजीव को एक फैक्ट याद आता है, वो प्रांजल से कहता है भाई तुझे पता है पूरे विश्व में यार 80 करोड़ से भी ज्यादा कप डेली चाय की बिकती है और डेली यार लोग पीते भी हैं। तो प्रांजल कहता है अच्छा ऐसा, इसका मतलब चाय यार वाकई में बहुत ज्यादा फेमस है। हाँ वो तो है। और प्रांजल यार फिर से अपने डिटेक्टिव बुक में घुस जाता है, वो यार डिटेक्टिव बुक को फिर से पढ़ने लगता है। लेकिन यार राजीव जो है चाय की चुस्की के साथ बाहर के नज़ारे देखने लगता है। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यार राजीव को डिटेक्टिव बुक पसंद नहीं थी, यार वो भी जासूसी की कहानी बहुत ही ज़्यादा पसंद करता था, लेकिन यार चाय के चुस्की के साथ बाहर का नज़ारा आहा कितना आनंद आता है ना। तो बिल्कुल यार वैसा ही वो बाहर के नज़ारे देख रहा होता है चाय के चुस्की के साथ। और भाई अगर तुमने कभी ट्रेन से सफ़र किया होगा ना तो यार तुमने पक्का देखा होगा कि यार उधर से जो है चाय वाला आता है, कभी यार कोल्ड ड्रिंक वाला आ जाता है, कभी चनाचूर बेचने वाला आ जाता है, मतलब कि यार ट्रेन में कोई ना कोई बेचने वाला आते रहता है बेचने के लिए सामान, और उसमें से यार कुछ लोग खरीदते हैं। तुमने भी कभी चिप्स वगैरह खरीद लिया होगा, कभी कोल्ड ड्रिंक खरीद लिया होगा। तो वैसे यार ये दोनों चाय वगैरह खरीद के चाय की चुस्की लेके बाहर का आनंद ले रहे थे। फिर यार राजीव देखता है कि बाहर यार हरियाली छाई होती है, हरे हरे घास यार, हरे हरे पेड़ है, पूरी हरियाली जहां तक देख रहा है यार वहां तक इसके हरे हरे चीज, हरा ही कलर नजर आ रहा है इसको। धान के खेतों से होते हुए यार वो टी के प्लांटेशन में घुस जाता है जहां पे यार टी उगते हैं, ठीक है, चाय पत्ती के खेत देख रहा है वो। मतलब कि यार वो बिल्कुल ही अद्भुत दृश्य था और राजीव यार उसको कभी मिस नहीं करना चाहता था, इसलिए यार वो आराम से चाय की चुस्की के साथ उसे देख रहा होता है। जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं यार उसके सामने जो टी प्लांट है यार वो बहुत ही छोटे छोटे लग रहे से लग रहे चुज्जे हैं किसी के, बिल्कुल ही छोटे लग रहे हैं। फिर थोड़ी दूर आगे यार राजीव को एक बहुत ही भद्दा सा घर दिखता है जिसके चिमनी में से यार बहुत से धुएं निकल रहे होते हैं, एकदम चिमनी टाइप की जो बनाई होती है उसमें से यार स्मोक निकल रहा होता है, धुआं निकल रहा होता है। और ऐसे ही कुछ कुछ नज़ारे देखते हुए यार वो आगे की ओर बढ़ रहा था। फिर यार उसे प्रॉपर एक टी गार्डन दिखता है तो यार पूरा एक्साइटेड के साथ कहता है राजीव हे वो देख टी गार्डन है। लेकिन प्रांजल यार पूरा एक्साइटेड नहीं होता है क्योंकि यार उसकी वो जन्मभूमि थी, वो बचपन से देखते आ रहा है कि हाँ टी उग रहा है तो वो क्यों एक्साइटेड होगा, वो यार एक्साइटेड नहीं होता होता। लेकिन यार राजीव जो है यार वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। तो प्रांजल कहता है हाँ ये टी का ही शहर है, यहाँ पे तुझे हर जगह यार टी के प्लांटेशन दिखेंगे, ये जो आसाम है यार ये लार्जेस्ट टी प्लांटेशन माना जाता है पूरे वर्ल्ड में, यहाँ पे सबसे ज्यादा प्लांटेशन होती है टी की, और तू यहाँ पे इतने गार्डन देखेगा ना कि तेरी पूरी जिंदगी बीत जाएगी। तो राजीव कहता है यार मैंने ना टी के बारे में ना जितनी रिसर्च करनी थी मैं वहां से यार रिसर्च करके आया हूं, मैं वहां से पढ़ के आया हूं। तुझे पता है आज तक कोई नहीं जानता कि टी का आविष्कार किसने किया है, लेकिन यार हाँ अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, अलग अलग थ्योरीज हैं कि हाँ यार टी जो है पहली बार चाइना में दिखा गया था, तो पहली बार इंडिया में दिखा गया था, ऐसे बहुत सारे जो है लीजेंड्स हैं। फिर प्रांजल कहता है अच्छा ऐसा है, चल मुझे भी बता, सुनता हूँ तेरी कहानी। तो देख भाई चाय के बारे में ना यार दो स्टोरी बहुत ही ज़्यादा फेमस है, एक जो है यार वो चाइना के है और दूसरा यार इंडिया का है। तो मैं तुझे सबसे पहले चाइना का सुनाता हूँ कि चाइना में क्या हुआ था। जो चाइनीज एम्परर थे ना यार वो हमेशा ही पानी को गर्म करके पीते थे, और तुझे तो पता है यार उस जमाने में गैस वगैरह होता नहीं था, तो यार वो लोग लकड़ी पर पानी को गर्म करते थे और पीते थे।
जैसा कि तुमने गांव वगैरह में भी देखा होगा कि यार अगर गैस नहीं होती है तो यार चूल्हे पे खाना वाना बन जाता है, ठीक है, लकड़ी से लगाते हैं, चूल्हे होती है मिट्टी की, लकड़ी लगाओ उस पे खाना बन जाता है। तो वही चीज राजीव भी बता रहा है। आगे वो बताता है कि एक दिन ना यार वो पानी को गर्म कर रहा था तो उसी में से यार जो लकड़ी जो हम लोग लगाते हैं ना चूल्हे के अंदर से, उसमें यार कुछ पत्ती थी तो वो टूट कर यार पानी के अंदर चली गई, और पानी के अंदर चली गई तो यार उसका टेस्ट जो है यार वो बिल्कुल ही बदल गया। उसको टेस्ट करने के बाद उसे लगा कि यार हाँ ये तो बहुत ही मजेदार टेस्ट है यार, और यहीं से यार चाय का जन्म हुआ। वो एक्चुअली में यार वो चाय की पत्तियां थी। तो प्रांजल कहता है ओ अच्छा तो यहां से चाय आया है, और दूसरी थ्योरी क्या है? तो राजीव कहता है कि दूसरी थ्योरी जो है यार वो इंडिया के बारे में है। ठीक है भाई, तुझे पता होगा कि यार पहले ना साधु वगैरह होते थे और वो मेडिटेशन करते थे, तो उसमें से यार एक बौद्धिक धर्म का जो व्यक्ति था यार वो मेडिटेशन कर रहा था, लेकिन यार उसे बार बार नींद आ जाती थी, तो उसने यार गुस्से में क्या काम किया, आंख के जो यार एब्रो जो पलक होते हैं ठीक है उसने वही काट दिए, आईलिड जो होते हैं यार उसने वही काट दिए। और ऐसा माना जाता है कि जब उस व्यक्ति ने अपने आंख के पलक काट दिए तो उसके जगह पर 10 यार टी प्लांट जो है वो ग्रो हो गए, और बाद में जब भी उस पत्ते को तोड़कर और गर्म पानी के साथ पिया जाता तो यार उससे नींद भाग जाती थी, और तब से यार लोग पीने लगे नींद भगाने के लिए। तो यार ये थी वो दोनों कहानी, दोनों थ्योरीज थी, एक थी यार चाइना के बारे में और एक यार इंडिया के बारे में। फिर राजीव जो है कुछ फैक्ट बताता है प्रांजल को चाय के बारे में। वो कहता है कि चाय भाई पहली बार चाइना में पी गई थी कुछ 2700 BC पहले, मतलब क्या 2700 BC में, 2700 BC में यार सबसे पहली बार चाइना में पी गई थी चाय। अब बीसी का मतलब तुम लोग कुछ और मत समझ लेना, ठीक है। फिर वो बताता है कि ये जो तू वर्ड सुनता है ना टी चाय चीनी, ये सब यार चाइना ने क्रिएट किए, यानी कि सब चाइना के वर्ड हैं। और ये जो टी है यार वो यूरोप में 16th century में आई थी। सब लोग यार इसे एज ए मेडिसिन ना यूज करके खुशी के कारण पीने लगे, उसे बहुत ही ज्यादा मजा आता था तो वो लोग पीने लगे। अब यार वो लोग आसाम बस पहुंचने ही वाले होते हैं, थोड़ी दूर में यार आगे जो है ट्रेन जाकर मरियानी जंक्शन पर रुक जाती है। लड़के लोग जो भी होते हैं यार वो दोनों वो अपने यार लैगेज वगैरह जो भी होते हैं वो पैक कर लेते हैं, मतलब यार वहां से साइड में कॉर्नर पे ले आते हैं ताकि यार वो लोग जल्दी से प्लेटफॉर्म पे उतर सके, वरना यार फिर भीड़ भाड़ हो जाएगी तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। जैसे कि यार हम लोग भी जैसे ट्रेन से उतरना होता है तो अपना यार जितना भी लैगेज वगैरह होता है जो भी बुढ़िया बिस्तर होता है वो समेट के साइड में आ जाते हैं गेट के सामने में, तो वैसे ही ये लोग भी आ जाते हैं। और प्रांजल के जो पिता थे यार वो स्टेशन पे वेट कर रहे थे कि जैसे ही उनका लड़का उतरेगा और उनका जो दोस्त है लड़के का दोस्त है वो उतरेगा तो यार वो दोनों को अपने घर लेके जाएंगे। वो यार वहां पर उन दोनों को रिसीव करने आए थे। फिर यार प्रांजल अपने पिता से मिला होगा, पैर वैर छुआ होगा, ठीक है, जो भी फॉर्मेलिटी होती है यार वो उसने निभाया होगा, हाँ पापा कैसे हो, खाना वाना खाया, सब चीज ठीक ठाक, जो भी पूछना होगा पूछ लिया होगा। और भाई वो लोग ढेकियाबाड़ी के लिए निकल लेते हैं। ढेकियाबाड़ी यार जो है एक जगह का नाम है। कुछ ही घंटे बाद यार जो कार होती है वो मेन रोड से थोड़ी सी टर्न ले लेती है, यानी कि गांव के अंदर घुस जाती है, कच्चे रोड में घुस जाती है, और वो लोग यार कैटल ब्रिज क्रॉस करके ढाकियाबाड़ी टी एस्टेट में यार वो लोग एंटर कर जाते हैं। कार के दोनों ही साइड यार उसे दूर दूर तक सिर्फ टी प्लांटेशन ही दिख रही थी, सिर्फ चाय के पत्तियां ही यार वहां पर रोपी हुई थी। यार कुछ लोग वहां पर काम कर रहे थे, कुछ औरतें जो यार चाय के जो पत्ते तोड़ते हैं यार वो वहां पर बास्केट लिए हुए, यानी कि बम्बू बास्केट अपने यार बैक पीछे वो लादे हुए थे, ठीक है, जिसमें यार वो चाय की पत्तियां तोड़ तोड़ के डालते हैं। और यार कुछ जो है प्लास्टिक एप्रन पहने होते हैं ताकि वो पत्ती को आराम से तोड़ सके। सीधा सा मतलब है यार कि वहां पर कुछ लोग काम कर रहे थे और पत्तियां तोड़ रहे थे ताकि वो लोग भेज सके। प्रांजल के पिता यार गाड़ी को थोड़ा सा स्लो करते हैं ताकि जो ट्रैक्टर है यार वो पास हो जाए, ठीक है, क्योंकि यार गांव वगैरह में जो होता है यार वो कच्चा रोड होता है, सिंगल रोड होता है, तो यार एक गाड़ी अगर इसे जा रही है और दूसरी गाड़ी आ जाती है तो पास कराने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तुमने ऐसा देखा होगा अक्सर। तो इसलिए यार प्रांजल के पिता जो है वो गाड़ी को थोड़ा सा साइड कर लेते हैं और स्लो कर लेते हैं ताकि जो ट्रैक्टर है जिसमें यार चाय की पत्तियां जो है वो लदी हुई है वो जो है निकल जाए आसानी से। ट्रैक्टर पास हो जाती है तो फिर से यार प्रांजल के पिता गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और चलाने लगते हैं। फिर राजीव पूछता है कि मिस्टर बरुआ ये तो सेकंड फ्लश होगा। वो यार अपने ढंग में पूछता है। अब इमेजिन करो कि यार वो कैसा पूछा होगा। वो यार ऐसा बोला होगा, चाचा हो चाचा ये तो दूसर का बात टूटा थोतई पतवा, मतलब यार उसने अपने अंदाज में पूछा होगा, मैं तो यार तुम्हें जस्ट बता रहा हूँ। फिर प्रांजल के पिता जिनका नाम यार बरुआ होता है वो कहते हैं कि हाँ ये बहुत ही अच्छा समय है पत्ते को तोड़ने के लिए, जो कि यार मई से लेकर जुलाई तक चलती है और इस समय यार बहुत ही अच्छा पैदावार होता है, मतलब यार बहुत ही अच्छे अच्छे पत्ते टूटते हैं और हमारा यार प्रॉफिट बहुत ही अच्छा होता है। ऐसा लगता है कि तुम चाय के बारे में रिसर्च करके आए हो, प्रांजल के पिता ऐसा कहते हैं राजीव से। हाँ अंकल मैं वो थोड़ा सा पढ़ के आया था, लेकिन आपसे तो बहुत कुछ सीखनी है, आप तो महान इंसान है, आपसे तो बहुत कुछ सीखनी है मुझे, आशा करता हूँ कि आप मुझे सिखाइएगा। मतलब कि यार उस बंदे ने अपने दोस्त के डैडी को थोड़ा सा पढ़ाते हुए ये सब चीजें कह दी। अरे अंकल आप तो महान हो, आपकी तो बात ही नहीं है। अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, जब भी यार टी प्लांटेशन होता है तो उसमें यार दो बार पत्तियां टूटती है। पहली बार में यार जब वो पौधा बहुत ही छोटा होता है और नए नए पत्ते ही आते हैं यार तभी तोड़ लेते हैं, और उसका जो टेस्ट होता है यार वो उतना कड़क नहीं होता है, उसकी पत्ती यार बहुत ही नई थी, ठीक है, अभी बहुत ही छोटी थी, अभी अभी तो आई ही थी और ये लोग तोड़ लेते हैं ताकि नए पत्ते जब आए तो वो लोग फिर से तोड़ सके और अपना ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कर सके। तो वो एक पहला टाइप का चाय पत्ती बन जाता है जिसको यार कड़क चाय पीने की आदत नहीं है, बस थोड़ी सी चाय पत्ती डाल के पीते हैं, वो उनके लिए ये चीज हो जाता है। और दूसरी बार यार जब मोटे मोटे पत्ते आते हैं और जब यार पेड़ जो है मैच्योर हो जाता है पूरी तरह से एकदम ठीक ठाक हो जाता है, हट्टा कट्टा हो जाता है, तब यार दूसरी बार पत्ते को तोड़ा जाता है। और इस बार यार इसका टेस्ट जो होता है ना वो एकदम कड़क चाय की फीलिंग देती है। जो लोग कहते हैं ना कि भैया मुझे एकदम मलाई मार के कड़क चाय बना के पिलाओ, तो उनके लिए यार ये पत्ती होती है।
तो यार पतियों को दो बार तोड़ने का मैंने तुम्हें दो रीजन बता दिया। एक रीजन तो यार वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं कि एक बार मैं पत्ती तोड़ लूं तो फिर दूसरी बार फिर से तोड़ सकूं मैं, इसलिए करते हैं। दूसरा कि उसमें यार दो टाइप के हो जाते हैं, एक जो नए पत्ते होते हैं यार उसका थोड़ा सा कड़क चाय नहीं बनता है, तो जिनको यार कड़क चाय पीने की आदत नहीं है तो वो यार ये चीज खरीदेंगे, और जिनको यार कड़क चाय पीने की आदत है वो यार मैच्योर वाले जो पत्ते थे यानी कि जो मोटे पत्ते थे यार वो खरीदेंगे। तो यार यहीं पे तुम्हारा चैप्टर समाप्त होता है। टी के बारे में यार हमें बस इतनी इन्फॉर्मेशन दी गई है। आई होप कि यार तुम्हें मजा आया हो, और अगर तुम्हें इसकी यार MCQ देनी है तो यार तुम्हें लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर तुम डायरेक्ट यार वेबसाइट पे चले जाओ www.rkglance.in पर, और वहां जाके यार अपना क्लास सेलेक्ट करना 9th और 10th और दे लेना। और अभी तक यार तुमने अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया ना तो यार इंस्टाग्राम पे फॉलो करो यार, मैं तुम्हें वहां पे जरूर रिप्लाई दूंगा। अगर तुमसे बात करना चाहते हो तो यार इंस्टाग्राम पे तुम्हें आना होगा, तुम इंस्टाग्राम पे आ जाओ, मुझे फॉलो करो और मैं तुमसे बात कर सकता हूँ। खैर यार वीडियो अच्छा लगा हो ना तो यार वीडियो को लाइक करो, और यार कमेंट करो मुझे नीचे कि यार कभी तुमने ट्रेन में सफर किया या नहीं, और अगर ट्रेन में सफर किया तो ये चाय वाला तुम्हारे पास आता है या नहीं आता है, ये सब चीजें तुम लोग यार जाकर नीचे लिखो। और अगर तुमने अपने भाई का चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई लोग, चैनल तो सब्सक्राइब कर लो, फ्री का यार, फोकट का है, कर लो सब्सक्राइब। दोस्तों के साथ इस वीडियो को यार पक्का शेयर करो। मैं देखता हूँ यार कि तुम लोग यार चुप चुप के पढ़ लेते हो, अपने दोस्तों को नहीं बताते हो कि हाँ यार ऐसा नाम का चैनल भी है, तुम जाकर वहां से पढ़ सकते हो। नंबर बस तुम ही बटोरोगे, दोस्त को नहीं बटोरने दोगे, मौका दो। ठीक है यार बाय, मैं चलता हूँ, ठीक है बाय।